An insult that created an empire. चाणक्य राइट। आपको बहुत अच्छा अध्ययन है, प्रखर, बहुत प्रखर ज्ञान है आपका। मतलब आप बच्चों में, आप दोनों के पीछे है, मैंने स्टडी किया है। चल ठीक, इतनी सी बात थी, छोटी सी, इतनी छोटी सी बात थी, अजाद मशरू, इतनी सी बात हुई थी बस। क्या बोले थे चाणक्य को, जिसकी दाढ़ी मुझे भी नहीं निकली है और यहां पर बैठने की जरूरत करता है, बच्चे उठ जा। एन इंसल्ट दैट क्रिएटेड एन एम्पायर, खत्म हो गए। नंद डायनेस्टी उसी दिन खत्म हो गई थी, उसी दिन उसने बीड़ा ले लिया था। अ सिंगल मिस्टेक, अ सिंगल सिंगल, इतना कहकर उसको उठा दिया था। साधारण बच्चा था ब्राह्मण का, साधारण, लेकिन सभी लोगों में उसने वहीं पर प्रतिज्ञा कर दी, सब सभी भीड़ में, और मुड़ मुड़ के देखते हुए जा रहा था, आंखों में आंखें मिलाते हुए, बहुत जल्दी आऊंगा, बहुत जल्दी आऊंगा, आऊंगा तबाही के रूप में। आत्मानुशासन में आचार्य देव कहते हैं, एक थोड़ी सी जो बड़वाग्नि दिखती है ना, बड़वाग्नि, एक छोटी सी बड़वाग्नि, वो कितने बड़े समुद्र के दिशाओं को अवरुद्ध करने की सामर्थ्य रखती है। बड़वाग्नि समझते हैं, निरंतर, व्हाट डू यू कॉल, वोल्केनो, क्या क्या कहते हैं, लावा, क्या कहते हैं, वोल्केनो, वोल्केनो, निरंतर भभकती रहती है बड़वाग्नि, बड़वानल कहते हैं उसको। नदियों में बाढ़ आती है और सभी नदियां जहां पर आकर मिलती, उस समुद्र में बाढ़ कभी नहीं आती, कारण बड़वाग्नि भभकती रहती है और उसकी पावर इतनी है उस बड़वाग्नि की, आज तक एक बार भी समुद्र में बाढ़ नहीं आ पाई है। छोटी सी अग्नि को कम नहीं आखना चाहिए, इतने बड़े समृद्ध की सभी गतियों को, सीमाओं को उसने अवरुद्ध कर दिया। थोड़े से राग द्वेष को कम नहीं आखना चाहिए, ज्ञान रूपी समुद्र को कुंठित कर देता है। थोड़ा सा भी राग द्वेष हमारा एम्पायर जा सकता है। वह समय पर हमने अचानक कुछ राग किया, कुछ द्वेष किया, बहुत बड़ी क्षति हो सकती है, लोक में भी होती है, लोकोत्तर मार्ग में भी हो सकती है। टोडरमल जी ने कहा तक लिख दिया, क्रोध के आवेश में आकर महंत पुरुषों को भी कुछ नहीं गिनता है, कुछ नहीं गिनता है। धर्मम धर्मम न गिन मानी न, मानी पुरुष धर्म धर्म को बिल्कुल नहीं देखता, प्रसंग आने पर सब एक तरफ कर देता है। प्रसंग पढ़ने पर टोडरमल जी कहते हैं, प्रसंग पढ़ने पर दूसरों को मार तक सकता है, हावी होने के बाद, कषाय हावी होने के बाद, नहीं बने तो स्वयं मर जाता है, कषाय की इतनी दुर्दशा होती है।
कार्य की सिद्धि जब तक नहीं होती तब तक फड़फड़ाता रहता है, और कषाय इतनी हावी हो जाती है कि कार्य की सिद्धि ना हो तो मर जाना बर्दाश्त करता है लेकिन कषाय बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह कषाय की दुखरूपता भाषित करे टोडरमल जी ने। सुबह काफी बात चली है, ये राग द्वेष दो नेत्राकर्षण कर्मणा, अज्ञान के बल से ये जीव चीर संसार सागर में रुलता रहता है। फिर वही बात है, हम अपने बच्चों को, चलो बीच में वैसे ही याद आ गए, अपने बच्चे बाय बाय क्यों करते स्कूल में जाते समय, एक्शन कोई नहीं लेता क्या उसका? ने बच्चे बाय बाय करते नहीं बेटे तुम? हाँ वेरी गुड। मतलब हम माता पिता कितने इस मामले में कितने, और हम सब मुस्करा रहे हैं अभी। इसका प्रतिकार तुरंत ऐसा होना चाहिए था कि हम जैनी होकर बेसिक हम हमारे माथे से ठोक देते हो गए, तुम लोग कुछ नहीं करेंगे क्या? ऐसी बात है, जब बच्चे हमने पैदा किए हैं हमको ध्यान देना चाहिए उनका, विद्वान क्या करेगा? हम ही गलत नहीं समझते। छोटे छोटे बच्चों को पता था अभी हाय हेलो छोड़िए जय जिनेन्द्र बोलिए, कितना कब से वो सिखाते हैं सबको, मतलब कॉमन एटिकेट से। भगवान का मुख में नाम लेने से अभी क्यों हिचकिचाट करते हो? ये कितनी स्वाधीनता है, मुख हमारा है, हम बोल सकते हैं आज। भगवान का नाम सुलभ है, जैन कुल में आए हैं, आज मुंह मिला है, बोल सकते हैं जब चाहे, कितनी सुलभता है। फिर ये सुलभता नहीं होगी कभी आगे। चलो वैसे क्या कहने वाला था, मुझे तो ये कहना था बच्चों को विद्या सिखाई जाए कि राग द्वेष से परे कैसे भी जीवन जी सकते हैं, राज में भी सिखाना उनको। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि इसमें तो हम सब समझते, जब कोई प्रतिकूलता आती है तो सब मिलके समझाते हैं इट्स ओके इजी हो जाओ, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई अनुकूल प्रसंग आने पर बराबर उसको बताना चाहिए ये हमारी कोई जीत नहीं है, या हमारा लाइफस्टाइल बनाओ, इसको लाइफस्टाइल बनना चाहिए। मैं इसलिए भी कहता हूँ, मैं तो अपन तो वही जीवन जीते हैं अभी वैसे कोई बर्डन मुक्ति को नहीं रहता है हमारे घर से, बिल्कुल पढ़ाई का नथिंग नो बर्डन, और खूब नॉवेल्स पढ़ो, खूब ज्ञान अर्जन करो, खूब एंजॉय योर लाइफ, पढ़ाई जितनी करना है ठीक है ओके। तो एक पेपर देखे आई अभी खूब रोने लगी What happened? I missed 10 mark, नहीं लिख पाई, क्या हो गया फिर? और मेरे तो अपना एक नक्की बात है, जब भी एग्जाम देखे आते यहाँ पर कई दफे कहा होगा पेपर कैसे गया ये नहीं पूछना उसको, बेटे जूते उतार, यूनिफॉर्म चेंज, आओ भोजन करने पहले आ जाओ, अपना नॉर्मल लाइफ मत छोड़ो उसके पीछे। वो तो एक बहाना है स्कूल में भेजने, एक बहाना है, नॉर्मल एक एटिकेट्स मॉरल सीखते हैं। और आजकल की स्कूल तो उसमें भी कैपेबल नहीं है, आज की स्कूल तो मॉरल आपको पढ़ाई में कैपेबल नॉट एट ऑल दे आर नॉट एट ऑल क्या कहना चाहिए, सेंसिटिव क्या कहना चाहिए, उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसका आज, या हम ही को पढ़ाना पड़ेगा अभी। अब स्कूल के भरोसे वो भी नहीं चलेगा, एटिकेट्स नहीं चलेगा अभी उनके भरोसे। तो फिर मैंने कहा बेटा ये कभी नहीं भूलना, आते ही अभी दरवाजे में आई थी, और हम सबका फर्ज है, हमारे सामने कोई गाफिल होकर इतना हताश होने लग जाए, और हमारी संतान और हमारे जीते जी और जिनवानी होते हुए। मैंने कहा बेटा You shouldn't forget कि लाइफ itself is an exam. लाइफ स्वयं, जीवन स्वयं एक examination है, और आने वाली हर एक अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, हम जो प्रभावित होते हैं वो बहुत बड़ी हार है। इन एग्जाम को कौन तो पूछता है, तुम्हारे माथे कौन जिम्मेदारी है, तुम्हें क्या करना है? सदा सुखदास जी की भाषा में यदि न्याय न्यायप्रिय जैन हो उसके आजीविका की तो समस्या नहीं आएगी, हमारे लिए बात उन्होंने बोल दी है।
आज चल सकता है क्या? करके दिखाओ फिर बोलो, करके दिखाओ फिर बोलो। तुम्हें क्या, तुम्हारे माथे क्या टेंशन है? क्यों एक्सपेक्टेशन? डोंट बी ओवर एम्बिशियस। जहां जहां हम ओवर एम्बिशियस होते हैं वहां वहां हमको दुख होता है। कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। तुम टॉप थ्री में तुम्हारा वैसे भी रैंकिंग है, बिना कुछ किए, बिना कुछ किए। ये धर्म की देन है। आज भी मतलब आई एम वेरी प्राउड कि आज भी सुबह 5 बजे वहां पर क्लास लगती है, 12 महीने 12 महीने। और कैसी सनसनाती ठंड है वहां पर, कई टाइम तो 2 मीटर आगे का कुछ नहीं दिखता, 2 फीट आगे का, ऐसे कई दिन निकलते हैं। कभी आज तक तो उफ नहीं, कभी ये नहीं बोली पापा जाज रहने दो, मूड नहीं है, नेवर। अपने आप कभी मैंने भी नहीं उठाया आज तक, अपने आप उठती है आती है सब, उनका उनका अपना अपना। दिस इज अचीवमेंट, ये हमारा अचीवमेंट है, धर्म को नहीं छोड़ना। तो खूब समझाया मैंने, ये कोई अचीवमेंट नहीं है अपना, लाइफ स्वयं एक एग्जाम है। और कल्पना करो बहुत अच्छे मार्क्स आए और बहुत खुश होती हो तुम, तो ये भी उतनी ही बड़ी हार है हमारी। इजी गोइंग रखो, इजी गोइंग रखो। हमारा मूल एग्जामिनेशन चल रहा है, उससे नहीं चूकना चाहिए। आप सब समझ रहे हैं? थोड़ा थोड़ा राग द्वेष करते हुए हम संसार का वर्धन करते रहते हैं। हम देखो एक कुछ एक लाइफ ऊपरी कुछ जीते हैं, अंदर की कुछ जीते हैं। बहुत एक्सपीरियंसेस मुझे आते हैं। अभी अभी हमारा पूरा स्कूल में वैसे स्कूल डीपीएस सामने, वहाँ पर गर्मी में ब्रेक हो गया था। मुझे गर्मी में एक चेस कंपटीशन अरेंज हुआ होगा, तो उनका एकोमोडेशन सब भारत भर के लोग आए थे। उनका एकोमोडेशन चेतन बसेरा में था, जहाँ पर हम रहते हैं। सब पूरे यात्री यात्री बने थे। तो अपने को क्या दिक्कत है, अपना अपना अध्ययन अपना अपना चल रहा है। तो बहुत कुतूहल से एक आदमी आते जाते देखता था, एकदम कमरा खाली खाली, और एक एक कौन पढ़ता रहता है यहाँ पर, और कमरा बिल्कुल खाली और पढ़ता रहता है। उसको थोड़े दिन पहले लगा ये भी कोई कॉम्पिटिटर है क्या चेस के लिए आया वाला, क्योंकि उनको क्या पता कौन क्या है। तो आते जाते सर, फिर एक बार रुका, फिर बोला आप कहाँ से? आदि आदि। तो उसको पता चला कि मैं यही का हूँ। तो फिर चेस वेस के लिए नहीं, ठीक है। फिर सहज अंदर आए, जैन तो नहीं था। बहुत बातें हुई, बहुत बातें हुई। उसके लड़के को लेके आए थे, बहुत बातें हुई। आधा घंटा वो बैठा, जैनिज्म के बारे में खूब समझा और खूब एक प्रकार से खूब इम्प्रेस्ड हुआ, समझ लो। ओ माय गॉड, ऐसी लाइफ जीते हो, ऐसी लाइफ जीते हो, मेरे बस की नहीं है ऐसी, लेकिन मुझे बहुत इज्जत है, बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत 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 हो गया, हो गया। अब लड़का है तो लड़के से मैंने सहज पूछा कि लड़के का नाम क्या है? छोटा लड़का था, इसकी इससे बढ़कर होगा, अर्जुन जितना होगा, अर्जुन जितना। अब कौन सी क्लास में? 7th 8th 9th, ठीक है। 7th 8th का वो लड़का था, उसने कहना था। मैं समझ गया एक कॉम्पिटिटर के रूप में आया है। तो मैंने कहा ये चेस में? तो तुरंत उसके पापा बोले हाँ, ही इज गोइंग टू बी द नंबर वन चेस प्लेयर इन इंडिया, ऐसा बोले उनके बारे में। मैंने इतना नहीं कुछ पूछा था। तो मैंने बच्चों को समझाने लग गया, बच्चों को इसी टोन में समझाने लग गया, बेटा यहाँ पर 7,000 पार्टिसिपेंट्स आए हैं, 7,000 पूरे भारत छान के यहाँ पर आया है, सब जन ने ही ऐसी आशाएं पाली है। ये नहीं बोलना, उसको भी वही कहा, लाइफ हमारा बहुत बड़ा चेस है, यू कैन गेट चेक एट एनी टाइम, बीवेयर। फिर मैं समझाने लग गया उसको, और कोई भी उतारो होता है, चढ़ाव होता है तुम्हारे शरीर की उम्र के, उनको लगता है सुसाइड करना, उनको लगता है कुछ करना, मतलब लाइफ उनको एकदम एक छोटी सी कंपटीशन की हार ही उनको एकदम एकदम तोड़ मरोड़ देती है उनके मिशन को। मैंने कहा स्पोर्ट्स आर मेड फॉर स्पोर्ट्समैनशिप, दे आर मेड फॉर एंजॉयमेंट, टू मेंटेन, टू बूस्ट फ्रेंडशिप अमंग्स द टू कंट्रीज, टू साइड्स, जो भी है। मुझे इस बारे में ख्याल में आती है विवियन रिचर्ड्स की, वेस्ट इंडीज का प्लेयर था ना क्रिकेट, कितना स्पोर्ट्समैनशिप था उसमें। आप लोगों ने कभी याद होगा आपको
अपने बॉलिंग पर किसी ने सिक्स उठाया उसको भी बराबर आनंद लेता था उसका, और सामने वाले जीत गए अपन मैच हार गए आनंद लेता था बराबर उसका। यह स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स का प्रयोजन केवल मनोरंजन है, जीवन का आनंद बढ़ाना इसका प्रयोजन था। हम कितने चूकते हैं, कितने चूकते हैं हम, जो दो देशों को जोड़ने का एक साधन था उसमें भी हम तोड़ मरोड़ का साधन बनाते हैं, ये इंडिया वाले ये पाकिस्तान वाले, मुझसे चूकते हैं चूकते हैं। चलो ठीक है, जैसे उसको समझाने लग गए, अब आप कल्पना नहीं कर सकते, एकदम वो लड़के को पीछे लेने लग गए, जो इतना इंप्रेस था मेरे से अभी, और इतना इतना क्या क्या बोलने लग गया था वो, और एकदम मैं लड़के को इतना ही बोलने लग गया था, बेटा ऐसा एम्बिशन बनाया है तुमने नंबर वन का, ये बहुत जोखिम भरा एम्बिशन बनाया है तुमने, और मैं तो ये कह रहा हूं, मैंने कहा हार है जीत है इसमें क्या, ये तो एंजॉय करना है, स्पोर्ट इज फॉर एंजॉयमेंट, सबने यही धारणा बना के आया हम फर्स्ट करेंगे तो तुम एंजॉय करना जो भी है इजीली। तो उनको लगता है हम डीमोटिवेट करते हैं, क्या कहा, सबके हालत है, सबके हालत है। ओहो, ये माँ बाप कैसे भविष्य बनाएंगे अपने बच्चों का, माँ बाप कितने दलदल में खड़े हैं आज, उनको थोड़ा भी ये वस्तु स्वरूप बताए तो लगता है डीमोटिवेट कर रहे। मैंने अभी सम्यक आया तो सम्यक को मैं वैसे ही कह रहा था, मैंने कहा अधिक कमाना पाप है, प्योरली बहुत शुद्ध शुद्ध हिंदी में भी बोलूं मैं, कोई अच्छी गति नहीं होने वाली है हमारी, हम रात दिन अध्ययन करते हैं बात वो नहीं है, अब चलेगा प्रकरण तब और चलेगा, लेकिन इफ यू हैव सेटिस्फाइड, इफ यू हैव इनफ यू शुड बी सेटिस्फाइड देन, ये रूल है, रूल ऑफ नेचर, ठीक है। तो मैं बोलते बोलते बोला कि ये तो ठीक है, मैंने कहा ये रुके है तुम्हारे लिए, तुम जल्दी आए तुम तो ठीक है, तुम कर ले, तुम भी नहीं उलझना, मैंने कहा जब तुम्हारे पास है तो कमाना अपराध है, दो पांच घंटे जितना भी गए पूरा अध्ययन अध्ययन में जीवन लगाना। फिर मैंने इसको भी पूछा ये तुम्हें ऐसे तो नहीं लग रहा मैं डीमोटिवेट कर रहा हूँ तुमको, ऐसा लगता है लोगों को ये हतोत्साहित कर रहे, हतोत्साहित कर रहे, दिस इज पॉजिटिव थिंकिंग, हमारे पास बहुत बहुत कुछ चीजें हैं अपार्ट फ्रॉम मनी, बियॉन्ड दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, इस क्या कहना चाहिए, इस आहिक विश्व के अलावा कितना बड़ा क्षेत्र है हमारे पास आध्यात्मिक क्षेत्र, ये पॉजिटिव थिंकिंग है, दिस इज नॉट डीमोटिवेशन, दिस इज मोटिवेटिंग इन वेरी प्रॉपर डिरेक्शन। लोग समझते नहीं है, समझते नहीं है, वो आए ही नहीं फिर से मेरे पास, मैं सोचता रह गया वो कितनी दफे आया था मेरे पास, फिर बराबर इतना लड़के को इतना सही कहा मैंने, मैंने कहा भ्रम नहीं पालना बेटा पहले ही आएगा, और आता वो बाय चांस तो ट्रॉफी दिखा के नहीं, उसका बस चलता तो मेरे सामने रखकर चला जाता ट्रॉफी हमको, अरे हमको क्यों अंगूठा दिखा रहे भाई, हम तो अच्छी बात कह रहे तुमको, हम हमारे बच्चों को भी वही कहते हैं, पद पद पर लाइफ ऐसी ही है, और लाइफ में जीत का मतलब इतना ही है, कोई गेम जितना वो जीत नहीं है, कोई गेम जीत के भी हार जाता है, कोई हार के भी जीत जाता है, ये तो कला है जीवन जीने की अपने अपने लाइफ में, ये सब। हम तो स्कूल में कितना पढ़ते थे, खूब अच्छे से स्कूल पढ़ते हैं तो उसमें भी सब आ जाता है, हमें एक चैप्टर था आगे कक्षा चलना है वैसे, वो तो फोर्थ फिफ्थ में एक चैप्टर होगा, बहुत मस्त चैप्टर्स थे हम लोगों के इतना, और आज भी याद आते जो हमारे टीचर थे कैसे प्रेम से पढ़ाते थे, कैसे बराबर कैसे घूम घूम के पढ़ाते थे, घंटों लगाते थे, नो टाइम पास नथिंग, बहुत सिंसियरली पढ़ाते थे। तो एक चैप्टर पढ़ाया था आज भी याद है, अब थीम समझोगे तो नया मिलेगा आपको थीम इसमें, पर जानते हैं मुझे क्या पागलपन सूझा, मैं कॉलेज पढ़ के आया तो मुझे इतना याद आने लग गया मेरी स्कूल लाइफ सब, वो जो मैंने पढ़ाई करी है खास तौर पर सब्जेक्ट्स इंग्लिश वगैरह ये सब लैंग्वेजेस मैथमेटिक्स वगैरह की तो क्या बात, तो मुझे एकदम छटपटाहट हो गई, मुझे सब बुक्स चाहिए, तब सिलेबस चेंज हो गया था, तो मैंने एक एक रद्दी वाले के पास जाकर छान छान कर, फिर कुछ भी नहीं मिला, बहुत टाइम निकल चुका था अभी 6-7 साल में ऐसे थोड़ी भी रहता है कुछ,
फिर कहीं कुछ कागज मिले, कहीं कुछ वो सब यादें पुरानी, जो पढ़ाया जाता था, टीचर हमको पढ़ाते थे, उसको देखकर तरोताजा होती थी सब यादें। चलो ठीक है, एक चैप्टर आज भी याद आता है मुझे जो सबको जानने लायक है, हमारा लाइफ कैसे रखे हम, जो हम राग द्वेष दोई दीर्घ नेत्रा कृष्ण कर्मणा से एकदम दूर। रनिंग रेस का था, उसमें ओलंपिक्स चल रहे हैं, तो उसमें ये है कि होगा कोई मान के चलो 20-20 किलोमीटर का रनिंग रेस होगा, क्रॉस कंट्री क्या कहते हैं उसको, ऐसा कुछ होगा वो जो भी हो, तो उसमें मैराथन, तो उसमें टॉप थ्री निकलते हैं कुछ, तो टॉप थ्री निकल चुके हो गए, तो डोरेंडो नाम का एक प्लेयर था उसमें, डोरेंडो, उसको ख्याल में आने पर भी कि हो गए हैं मैच कप का, और वो बहुत दूर पिछड़ गया था, ही डिडंट गिव अप, उसका वो अपना वो काम करता रहा बराबर, और आधा पौना घंटा बराबर उसने अपना रेस पूरा किया, तो उसको नॉमिनेट किया था इनाम के लिए, इसको मिला जाए, क्योंकि नहीं मैं तो मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए दौड़ता हूं, मेरे लिए जीत हार कुछ नहीं। और अभी भी लेटेस्ट भी द स्पीकिंग ट्री में एक चीज पड़ी, एक आज भी कोई प्लेयर है ऐसा टेनिस का, कोई मेरे ज्ञान में इतना कुछ नहीं है, जो हर कप जीतने के बाद वो एक बार रो देता है, और ये कहा रोजर फेडरर, राइट, सेम नेम। अब मैं तो फील्ड में कोई टच में हूं नहीं, मैं तो वो स्पीकिंग ट्री है मेरे पास सब, तो उसमें सभी फिलोसॉफिकल बातें रहती, तो उसका आता है, तो हर स्पीच में वो मानो माफी मांगता है कॉम्पिटिटर से कि मुझे दुख देने का कोई वैसे कोई है नहीं, मुझे तो बहुत ऐसा लग रहा है मैं कहाँ से जीत गया, लेकिन ऐसा ही है, और आपके उपकार के बिना मैं कैसे जीत सकता था, ये फ्रेंडशिप अपना। तो पब्लिक रोती है वहां पर, जो स्पेक्टेटर्स गेम देखने आती है वो तो स्पीच सुनने आती है उसका, मतलब ही इज अ फिलोसोफर। गेम मतलब हर आपके जीवन में आप स्पिरिट रखेंगे हर जगह, ये तो गेम का एक बहाना है, राग द्वेष होने का कोई काम नहीं होगा। ठीक है, बात आगे बढ़ती है, बारहवें छंद की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, संसार की उपमा हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में अभी, संसार की उपमा आचार्य ने बहुत बहुत सारे कुछ उपमाएं दी है, आपको ज्ञान में होगा भूधरदास जी का एक तो कोई भजन है, मेरे को याद तो नहीं है, कदली तरु सम क्या है लाइन, कोई बोलेगा किसी के ज्ञान में है, यह संसार कदली तरु सम और उसको योगी जन सब त्याग गए हैं, ऐसी एक लाइन है, इतना पक्का है कदली तरु सम संसार। बहुत सारी एक अभी अभी क्या एक आ रही थी, एक उपमा क्या आ रही थी उसके लिए, संसार के लिए कल परसों में सागर आ रही थी एक अभी मैं क्या कह रहा हूं, कदली तरु, और इस कदली तरु कैसी उपमा दी आचार्य ने, कदली मतलब केला, संसार कैसा है जैसे केले का वृक्ष, केले के वृक्ष में क्या है कोई बताएगा क्या मतलब है इसका, उसको छीलते जाओ, उसका स्टेम होता है, स्टेम वो कोई वस्तु ही नहीं है, भवितव्य और काल लब्धि कोई वस्तु ही ना है, वो स्टेम कोई स्टेम ही नहीं है उसकी, अब उसका देखने जाओगे क्या है इसका, इसे कुछ ही नहीं है, आप छिलते जाओ कुछ ही नहीं है अंदर, उसी से बनकर खड़ा है वो स्टेम। संसार क्या है तो कहते संसार आप देखते जाओ छिलते जाओ तो कुछ ही नहीं है उसमें, कुछ नहीं है, ऐसी ऐसी चिंदियों से ही भरा है। यहां पर एक नई उपमा दी है आचार्य देव ने, पदावर्त, संसार को क्या उपमा दे रहे हैं, भव पदावर्ते, व्हाट इज दिस पदावर्त, हम देखते हैं रहट, किसी ने कभी देखा होगा नहीं देखा होगा, पुराने लोगों ने से तो सबने देखा होगा, रहट एक ऐसी एक चीज थी जो कुएं में से पानी खींचने के लिए यूज किया जाता था इरिगेशन के लिए, तो वो डब्बा भर भर के पानी लेके आता था, वो चक्री चलती थी, चक्री रहट की, तो उसकी उपमा दी है संसार, संसार इज लाइक पदावर्ते, पदावर्त इसलिए कह रहे हैं कुछ उसमें रहट ऐसे भी चलते थे जिसमें दो ही साइड्स है, एक डंडी है बीच में,
तो एक खाली हुआ तो दूसरा भी खाली होने की तरफ पड़ता था, मतलब एक भरा और एक खाली, ऐसा ऐसा चलता था, तो पानी खींचता था वो ऐसा ऐसा। क्या कहते हैं यहां पर, भव पदावर्ते। तो पदावर्त मतलब आवर्त मतलब होता है वैसे घूमना, आवर्त मतलब होता है घूमना। हम भगवान को नमस्कार करते तो भगवान को आवर्त देते, आवर्त। व्हाट इज आवर्त? आ चहु ओर से, वर्त, वर्त इज टू मूव अबाउट, ठीक है। वर्त मतलब एक्चुअली चलना, वर्त मतलब होता है चलना, टू मूव। जैसे वर्तमान मतलब वन दैट इज गोइंग, वन दैट इज पासिंग। सर्कल को क्या कहते हैं? सर्कल को वृत्त। मराठी में क्या कहते हैं? वर्तुळ। हिंदी में क्या कहते हैं? वृत्त। ये सब वर्तमान भी वर्ड है, ये सब इसी एक धातु से बनकर खड़े हैं। ये सब घूमना, घूमना के अर्थ में, घूमने के अर्थ में। वर्त मतलब घूमना, आवर्त जो भगवान को देते घूमना, उसको आवर्त कहते हैं। यहां पर तो पदावर्त, वो घूमने वाले रहित को पदावर्त बोला जा रहा है, जो पैर से घूमता है वो वाला ले रही है। संसार कैसा है तो कहते हैं कि अभी एक चीज ऊपर आई, एक इमेजिन कर रही है भर के, बस एक खाली हुई कि दूसरी खड़ी है आगे, फिर दूसरी खड़ी है, फिर दूसरी खड़ी है, फिर दूसरी खड़ी है। एक कल्पना ऐसी करी उन्होंने, संसार कैसा है कि अभी एक प्रतिकूलता गई तो दूसरी खड़ी, अभी एक गई तो दूसरी खड़ी, बस इतनी इतनी सी बात कही। हम कितना प्लानिंग बनाए सब बेकार चला जाता है प्लानिंग। मैं महीनों से सोचता हूं अपन मौन पालेंगे, फिर सोचता हूं कल एक दो दिन में वो सेटल करते फिर मौन पालेंगे, फिर और दो तीन काम दिखते फिर वो सेटल। मुझे यहाँ आते ही मौन लेना था, मैंने कहा सम्यक आ गया, छोड़ दे बाप, सम्यक जाने के बाद मौन का विचार करते, अब जितने में गया एक आ गया, अब क्या करें। अच्छा, इन्होंने कुछ नहीं कहा है मुझे, इन्होंने कुछ नहीं कहा, इनसे कोई मेरा मोक्ष मार्ग नहीं है, कुछ नहीं है, फिजूल में ही। फिर और कोई आएगा, फिर और कुछ होगा, फिर और कुछ होगा। बड़ी समस्या है, कभी कभी बिल्कुल ऐसा लगता है क्या है ये। गोरख धंधे की एक कड़ी को, बोलो, नहीं जानते आप। गोरख धंधे की एक कड़ी को हाथ लगावे, सुलझाना मुश्किल उलझता चक्र ही जावे, त्यो ही समस्या ये अनंत जीवन है थोड़ा, सुलझाने की आपुलता में जीवन होवे पूरा। नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट मिशन? हमको ये करना है, वो साइट कंप्लीट करना, फिर ये साइट हम आते, फिर वो साइट हम आते, What will happen? सबका प्लानिंग यही है बराबर। कोई ऐसा टाइम अलग सा नहीं आने वाला है जहां पर ये फ्री टाइम है, ये अंतरकरण आ गया है भैया, अभी उसमें कूद जाओ। एक अंतरकरण आता है सम्यक के पहले, वो सब यहाँ हो गया है, चलो जल्दी। हम प्लानिंग ही प्लानिंग करते रहते हैं, इसके बाद ये करना है। और अदृश्य रूप से भविष्य में और कितनी प्रतिकूलताएं बैठी है, क्या मानो, एकदम चुपचाप मुंह पर करती है सब कुछ। आज लगता है आज बहुत अच्छा दिन है, आज काम हो सकता है, आज अध्ययन हो सकता है, कभी नहीं सो आज दूध फन गए देखो, कभी नहीं सो आज ये जल गए देखो, कभी नहीं होता। हाँ, आज काम कुछ नहीं था ना, तो कुछ ना कुछ होना ही था आज। सबका है बराबर, सबका ऐसा। अपन व्यक्तिगत किसका लाइफ ले रहे, अपन थोड़ा पुराण पुरुषों के भी थोड़े विचार करते हैं, कितनी विपदाएं हैं। आचार्य देव आके यहां तक कहते हैं, एक आपदा हटी नहीं कि दूसरी खड़ी है। यावत तावत भवन्त्यान्या प्रचुर विपद पुरा, प्रचुर विपदाएं सामने खड़ी है, ये हटी नहीं कि दूसरी सामने खड़ी है।
यावत तावत भवंत्यान्या, जब तक ये हटी नहीं अतिवाह्यते, ये समाप्त हुई तावत तब तक दूसरी, और प्रचुर प्रचुर विपदा सामने आकर खड़ी होती है, एक हटी दूसरी खड़ी, एक हटी दूसरी खड़ी, घनघन चलती रहती है। और अपना अपना लाइफ विचारते रहना। कभी कभी ऐसा लगता है अब थोड़ा बच्चों को थोड़ा बड़ा करे, अब अध्ययन करे, अब लगता है माता पिता की समाधि पास में खड़ी है। काम इसी के बीच में होना है, ऐसा कोई बीच में नहीं आएगा कि सब हटेगा और फिर हम अध्ययन करने लग जाएंगे। हम कहते हैं अध्ययन करो, जो बुद्धिपूर्वक निवृत्ति ले सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं ले सकते हैं तो वो कल के आशा पर मत जियो, आज से कुछ ना कुछ चालू करो। इसलिए मैंने एक बात कहते रह गए एक दिन कि दो जीवों पर बहुत करुणा दया आती है, एक वे जो सब कुछ ठीक ठाक होते वे भी न जाने क्यों निवृत्त नहीं होते। अरे एक सामान्य रूल है, कितने लोग भोजन करने के लिए सुबह उतना ही तो भोजन बनाते हैं, दीपक जी सुबह उतना भोजन बनाते हैं जितना खाने को लगेगा, दिन भर का अपन बना कर रखते हैं। हम लाइफ की भी प्लानिंग, हमको बराबर ऐसा प्रॉपर प्लानिंग चाहिए ना, प्रॉपर। रोटी फेंकेगी एक दिन दो दिन तीसरे दिन जजमेंट लेते, बराबर उतना ही बनाते हैं। एक वे जो सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी अपना आत्म कल्याण में संलग्न नहीं रहते, एक, और दूसरे वे निवृत्त होने पर भी अपने लक्ष्य से चूकते रहते हैं। सब कुछ स्टॉप कर दिया, अब क्या? अब एडवांटेज लेना चाहिए ना उसका। एक बार पढ़ती चंद को पढ़िए, विपद भव पदावर्ते पदिके वाति वायते यावत तावत भवन्त्यान्या प्रचुर विपदत पुरा। पुरा मतलब सामने, पुरा मतलब सामने, प्रचुर विपदाएं आकर खड़ी होते। यावत तावत भाषा समझते आप, यावत तावत जब तक तब तक। एक आत्मख्याति का कलश है, जब तक दृष्टांत की दृष्टि क्या गया, जब तक दृष्टांत की दृष्टि ओझल हुई नहीं कि अनुभूति प्रकट हो गई। याद है 34वीं गाथा पूरी हुई थी, 34-35वीं गाथा पूरी हुई थी, वो धोबी वाला उदाहरण, धोबी वाला कहते जब तक ये उदाहरण पुराना न हो जाए तब तक साध लो, अनुभव कर लो। आचार्य ने यह कहा, अभी अभी ताजा यह उदाहरण सुना है तुम लोगों ने धोबी का, और उसने इतना ही जाना ये मेरा नहीं है तो उसका त्याग हो गया, ये उदाहरण सुना नहीं और त्याग हो गया, हुआ नहीं और ये हो गया। ये बोलने की भाषा है ना व्याकरण की, टोडरमल जी ने 8वें अध्याय में खोला, या ये हुआ नहीं और ये हुआ, अभी ये लोग आए नहीं उसके पहले ये चले गए, उसका अर्थ ये है ये आते ही वे चले गए, ऐसा समझ में आता है। कितनी विपदाएं हैं। अपन रामचंद्र जी के जीवन को टोटल दे, थोड़ा राजघराने का व्यक्ति, गृहस्थावस्था तो जैसी गई होगी सो गई होगी, हमको कुछ नहीं कुछ पता। शादी हो गई और आज सब जानते हैं आज राज्याभिषेक होने वाला था। कर्मणो ही प्रधानत्वम किम कुर्वन्ति शुभाग्रहा, क्या क्या अर्थ है भैया, बोलोगे एक। कर्मणो ही प्रधानत्वम किम कुर्वन्ति शुभाग्रहा, बोलो। प्रधान कारण कर्म ही है हमारी एक एक एक्टिविटी में, उसमें ग्रह क्या करेगा। वशिष्ठ दत्त लग्नश्च राम किम भ्रमते वनम, वशिष्ठ आदि सैकड़ों जनों ने मिलके कुंडली जमाई थी, वशिष्ठ आदि सैकड़ों जन ने मिलकर कुंडली जमाई थी, क्या करता है तुम्हारा ग्रह कर्म के आगे क्या करता है। राम किम भ्रमते वनम, वशिष्ठ दत्त लग्नश्च, उन्होंने लगिन ढूंढ निकाला, मुहूर्त ढूंढ निकाला, लेकिन राम को क्यों नौबत आई है फिर भ्रमण करने की। रामचंद्र जी बोल रहे हैं, यच्चिन्तितं तदपि दूरतरं प्रयाति,
आप कल्पना करो ना थोड़ा सा अनुज, हमको कोई चीज मिलने वाली थी और दूसरे दिन एकदम बोल दिया नहीं मिलेगी, कैसा लगता है हमको, कैसा लगता है? कोई भी चीज, कोई भी चीज, मैंने इतना कहा मुझे आपको देना है वो गिफ्ट, और जब तक मैं नहीं दूँ वैसे कोई, आई वॉज नॉट बाउंड टू गिव एनीथिंग टू यू, बट वो तब तक अनइजीनेस बना रहता है, ऐसा लगता है मेरा कुछ, मेरा इन्होंने दिया ही नहीं, मेरा दिया ही नहीं, सब निश्चित होगा। और सुनो, सुबह सुबह से तैयारी भी चालू हुई है, पुरुषोत्तम राम का अनुकरण कितना किया जाए, कितना इजी लाइफस्टाइल है, नहीं है कोई बात नहीं। आज सुबह नक्की हुआ था, यचिंतितम तदपि दूरतरम प्रयाति, जो चिंतन करते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होता, एकदम दूर भागता है। यचिंत सोपि न कृतम तदिहाभ्युपेति, और स्वप्न में भी जिसका विकल्प नहीं किया था वो सामने खड़ा है प्रसंग, जिसका विकल्प करते हैं वो दूर भागता है, जिसको स्वप्न में भी विचारा नहीं था वो एकदम सामने आकर खड़ा है। प्रातर भवामि वसुधाधिप चक्रवर्ती, क्या बोलो अर्थ? प्रातर भवामि, बोलो अर्थ। प्रातर भवामि वसुधाधिप चक्रवर्ती, सुबह सुबह प्रातर भवामि, सुबह सुबह मुझे तो राज्याभिषेक होना था मेरा, मुझे वसुधाधिप, मुझे तो चक्रवर्ती बनना था, फिर क्या कहते हैं, और कैसी नौबत आई है मेरे ऊपर, व्रजामी विपिन जटिलस तपस्वी, मुझे तपस्वी की भांति जंगल की खाक खाकने छानने के लिए अभी जाना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। जब लोगों ने कहा सो सैड, तो रामचंद्र जी की बात बोले कि क्या हो गया, दशरथ राजा ने तो मेरे लिए दंडारण्य का राज्य दिया है, एंजॉय। अच्छा देखो, अभी अपन विपदाओं की चर्चा कर रहे हैं, विपदाओं से इतना भरा जीवन है हमारा कि एक गई और दूसरी खड़ी, एक गई दूसरी खड़ी। पहली आपदा तो इतनी है उसको कि राज्याभिषेक प्रोग्राम हैज बीन कैंसल्ड, द सीट हैज बीन गिवन टू द अदर फेलो, हु इज दैट फेलो, योर यंगर ब्रदर भरत, ठीक है, एक आपदा ये आपदा लोक में। सेकंड आपदा, उन्होंने स्वयं जानकर कि भरत को अभी सीट दिया जा रहा है और भरत तो बैठ नहीं रहा है उस पर, और ना पब्लिक एक्सेप्ट करेगी इसको, मेरे रहते हुए इनको अनइजीनेस फीलिंग होगा, इट्स बेटर अब मैं निकलू, ये ठीक है जंगल में प्रस्थान। चलो इतने में हो गया, अभी जंगल में कितनी आपदाएं रोज की, जंगल में भैया क्या क्या क्या, क्या पिकनिक किट वगैरह कुछ लेके जा सकते हैं क्या, ऐसा फिर चटाई जैसा भी कुछ हो, कभी लेट ना हो तो एक सब वो बैग भी दे दो, या ऐसा चलेगा क्या, वनवास है वनवास, फिर वो वनवास थोड़ी होगा, अभी आया दिन कैसे कट रहा होगा उनका, कैसे रसोई बनती होगी, ये राज घराने के लोग हैं, कितना लाइफ, कितना स्टेबल लाइफ है इनका। सीता कह रही है मुझे भी आना, ठीक है, लक्ष्मण भी है सीता भी है, भ्रमण कर रहे हैं, रोज की कैसे व्यवस्था जमा रहे, कितनी आपदाएं, कौन कितना भोग रहा है, और रोज के जंगल ही है ना वो, तो जंगलों में क्या आपदाओं की कमी है क्या, और उसमें सीता का अपहरण हुआ, कितनी कितनी ट्रेजेडी, फिर सीता की प्राप्ति के लिए कितना प्रयास किया, कितना प्रयास किया, फिर पता चला वो रावण ने ली है, फिर युद्ध की तैयारी चालू हुई, फिर युद्ध के बीच में फिर लक्ष्मण को शक्ति लग गई, और लक्ष्मण मतलब रात दिन एक करने वाला भाई के लिए, उसके बिना तो जीवन की कल्पना नहीं थी, फिर उसको बचाना, अब कल्पना तो करो, कल्पना करो, फिर युद्ध भी हुआ, लक्ष्मण बच गया, युद्ध भी हुआ, घर पर लाया, क्या क्या घर पर लाया ना, फिर अग्नि परीक्षा हुई, आपदाएं कितनी है अपने ऊपर। अभी राज सीट पर बैठना है, एक नीतिकार ने लिखा है जब कलश में से वो पानी फूल वगैरह राज्याभिषेक के काल में जो करते हैं ना अभिषेक,
तो उस समय में सोचना चाहिए कलश में गिरता हुआ पानी माथे पर गिर रहा है, तो समझ लेना चाहिए बहुत बड़ी आपदाएं गिर रही है। ऐसे नीतिकार ने बोला है। अभी कितना बाइंडिंग हो गया, अभी थोड़ी एक धोबन का अपवाद हो गया है शील का, उसके पीछे सीता को निकालना पड़ा, जानकर भी ये सच्ची है, जानकर पवित्र है, जानकर भी फिर आपदा, और झूठी कहकर, और फिर लव कुश के साथ लड़ाई अपने, फिर घर पर लाया, फिर अग्नि परीक्षा, और अग्नि परीक्षा फिर ये कह रही नहीं मैं तो जा रही हूं, फिर ये बेहोश, कितने नाटक चल रही है। क्या है ये, क्या है? आप विचार करो, किसी का भी विचार करो, पवन जय का विचार करो, किसी का भी विचार करो। फिर लोगों ने लिखना चालू किया, लाइफ इज अ स्ट्रगल, आगे क्या कहते हैं, बैटल इट, क्या कहते हैं लोग, कितनी उपमाएं देते हैं वे। ऐसा कोई प्रसंग नहीं आएगा जिसमें कोई अपन रुक जाएंगे एक पर्टिकुलर स्थान पर और आपदाएं बंद हो जाएंगी, कुछ नहीं सही। इमी जानी बोलो, इमी जानी आलस हानि साहस ठानी यह सिख आदरो, जब लो न रोग जरा गए तब लो झटके निज हित करो। कब आएगा? तो मैं सच्ची बात बताता हूँ, वैसे मैंने कभी विकल्प भी नहीं किया था, मेरे को कोई शारीरिक कोई बाधा दिया नहीं, इतना स्पीडीली मैंने अध्ययन किया है इतना टाइम में, मैं निरंतर ये सोच कर कि कोई भरोसा नहीं। आज मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे प्रतिकूलता आती है, आई भी है, समस्याएं भी है, मैं बहुत खुश हूँ आज कि जितना पढ़ने का टारगेट था आपने बहुत अच्छा किया, बहुत स्पीडीली किया। मैं अभी भी मंगलायतन में रिकॉर्डिंग करता था सब 2 साल, खूब कोई विकल्प कभी नहीं रहा मेरा रिकॉर्डिंग का, लेकिन फटाफट इसीलिए मैं बार बार कहता था घर पर, फिर मेरा राग रहेगा कि नहीं, राग का भी भरोसा नहीं, स्वास्थ्य का तो भरोसा नहीं, राग का भी भरोसा नहीं। मेरा एक विकल्प है कि कुछ सब्जेक्ट्स मैं स्वयं बोलूं, फिर आप उसको अध्ययन करो, मुक्ति को, दिस विल बी ट्रेजर फॉर यू बोथ। कंप्लीट किया, तकलीफ चालू हुई। थोड़ी भी देर करते तो हो जाता, थोड़ा ही लेट। कभी कोई प्रतिकूलता कुछ भी नहीं कह सकते। बहुत अभी एक हमारे मंगलायतन में एक, वैसे 12 तक पढ़ते हैं सब बच्चे, एक जन ने 10वीं पूरी की और छोड़ के चला गए इंदौर वगैरह, कोई जाते बीच में छोड़कर, उनका यह भावना है कि धर्म में समय चला जाता है, अपन बाहर जाए तो खूब पढ़ सकेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उनको कॉम्पीट करनी होती है, करते रहते फिर वो। तो अभी 2 साल हो गए उसको, 12th कर ली उसने, अभी मिलने आया था मंगलायतन में, अभी 2 महीने पहले मिलने आया, वासु ललितपुर का, तो मेरे पास मिलने आया, तो एक जन लेके आया था उसको मंगलार्थी ही, तो ये भी बहुत खुशी है बच्चे मिलने आते हैं फिर से, नहीं तो फिर क्या मतलब है किसी से, फिर हो गया काम हो गया हमारा, कोई बाइंडिंग तो है नहीं। तो मेरा अपना सबसे एक ही रहता है, कैसे चल रहा है, तो गर्दन नीचे थी उसकी, ठीक चल रहा है। मैंने कहा ठीक मतलब कोई धर्म कुछ, तो बोले हाँ हफ्ते में एक बार। मैंने कहा क्या मुखड़ा देखने जाता है? हाँ बोला। मैंने कहा स्वाध्याय वगैरह कुछ नहीं, हफ्ते में एक बार मुखड़ा देखने जाता है भगवान का, इंदौर में रहता है, खूब पढ़ता होगा। मैंने कहा टाइम तो चला जाएगा फिर पढ़ोगे कब? केवल 2 महीने पहले की बात है, और अब भी निकलते समय उसी का रिपोर्ट आया कि मर गया वो। अब भी निकलते समय घर पर आया होगा और कुछ हुआ, ट्रक ने सीधा उसके सिर के ऊपर से पूरा ट्रक चला गया, कोई अवसर ही नहीं, 1 मिनट का भी अवसर नहीं। और मेरे लाइफ में मैंने इतना देखा है, खनिया दाना में भी देखा है, मैंने कहा था कि यहाँ पर एक लड़के से मतलब एक जन आया मेरे लड़के को मुझे निकाल कर लेके जाना, 7वीं-8वीं का लड़का था, क्यों लेके जाना आलू प्याज? मैंने कहा पागलपन मत करो, और आप रहो नहीं तो नहीं रहो, कोई मेरे बाप की संस्था नहीं है। मैंने कहा ये मेरे को तो कोरोना ही है, मैंने कहा
मैंने गांधारी ने प्रेम में अपने अपने बच्चे गंवा दिए पूरे, आप ऐसा मत करो, मैंने कहा उसको सीखने दो, नहीं यहाँ पर ऐसा नहीं वैसा नहीं वैसा नहीं वैसा नहीं। मैं बच्चों को अभी भी कहता हूँ कि कोई बहुत अच्छी सुविधा है आपको, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप सभी प्रतिकूलताओं को जान कर भी यहाँ से नहीं निकलना, क्योंकि फिर आपको धर्म नहीं मिलेगा, फिर धर्म से चूक जाओगे आप, ये चीज कहीं नहीं मिलेगी आपको। तो आप डटे रहो, कितनी भी प्रतिकूलता है, नहीं हमको टॉर्चर करते ऐसा करते वैसा करते, डटे रहो, फिर ये कभी नहीं मिलेगा। तो कैसा, वो लड़के को भी लेके गए, वो भी एक्सीडेंट मर गए, हो अब क्या करते तुम, तुम्हारे भावनाओं का क्या हुआ, आप अच्छी कितनी अच्छी भावनाएं बहाते, मैं इसको अच्छा विद्वान बनेगा, ये अच्छा पढ़ेगा लिखेगा ग्रंथों का अध्ययन करेगा, चलो ठीक है, अभी अभी तो बिना उसके तो काम चला ही रहे तुम, चलो ठीक है, फिर पीछे वाले तो सचेत होवे, पीछे वाले तो सचेत होवे, लेकिन क्यों क्या मालूम बराबर और उलझते रहते हैं, कोई एडवांटेज नहीं देखते, अभी घर का कोई नहीं रहा, अभी एडवांटेज, अभी कर लो अध्ययन कर लो, ऐसा कुछ नहीं है, इतनी आपदा है, ऐसा कोई प्रसंग नहीं आएगा जिसके बीच में हम रुके और फिर हम अपना आत्मकल्याण करें, ये तो चलता रहेगा, अपने आप कुछ भी कहो में पड़ा होगा, रहट चलता होगा, उसके बीच में आपको पानी पीना पड़ेगा, जानते हैं ना, जानते सुना है, रहट चलता रहेगा, एक घोड़ा प्यासा था, अब उसको पानी पीने के लिए लाया वहां पर, तो अब वो रहट चल रहा था पानी, जानते हैं ना ये, जानते हैं ना ये कि नहीं, सुना ये भी सत्य की खोज में नहीं है, आप कुछ भी कहो में है ना ये, तो घोड़े को पानी पीने के लिए लाया कुएं के पास, अब वो आवाज से बिचकता जाए, बिचकता रहे तो उसको कहा बाबा तुम बजाओ मत उसको, वो पानी नहीं पी रहा है, तो बजाएंगे नहीं तो पानी कहाँ से पुल होगा, अभी वो बंद करे तो पानी नहीं आए, और वो चालू करे पानी आए, तो फिर आवाज से बिचक कर वो घोड़ा पानी नहीं पिए, तो फिर एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर खड़ा होना पड़ेगा कि ये चलता रहेगा रहट, इसी के बीच में पानी पिलाना हो तो पिला लो आगे, क्योंकि ये बंद होगा तो पानी नहीं आएगा, तो हमारा रहट हमारी प्रतिकूलता कोई नहीं मानते इसको, लड़के नालायक है, लड़कियां नालायक है, माँ बाप भी अपनी अपनी चलाते हैं, सब 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 लाखों प्रतिकूलताएं हैं, बीमारी यहाँ है वहाँ है, कर्जे है, दुनियादारी है, सब है, सबको सबको मुंह दो, ग्राहक है, सब नौकर है, सबको मुंह दो, और सब प्रतिकूलताएं है, सब आपदाएं, रोज नई नई आपदाएं खड़ी होती है, आने वाले दिन कितनी आपदाएं लेके आएगा इस आशंका में आदमी सो रहा है, और कुछ न कुछ आज का दिन अच्छा गए तो बहुत ताज्जुब होता है उसको, आज कुछ ही नहीं हुआ क्या, आज कुछ होएगा नहीं, नहीं उसको लगता है अभी अभी दो घंटे जाने, अभी कुछ हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। एक नीतिकार ने तो यहां तक लिखा है, जब पुराण सुनने बैठते हैं कैसी मति मारी गई है, क्या है मराठी है तुकाराम का, ऐसी गति क्या है वहां पर, कैसी क्या है, कैसी गति मानसाची हुई कुछ ऐसा, आप जानते हैं क्या, अरे नहीं आपको नहीं पता बेटा, ये मति शुद्ध ज्ञान की नहीं बात, वहां पर ये लिखा है कि पुराण पढ़ने बैठते हैं तो यहाँ पर तो सोता है, और जब सोने के लिए जाते वह चिंताओं से घिर जाते, ये तो इसकी हालत है, क्या जब कुछ सुनने बैठता है तब तो सोता रहता है, और जब सोने के लिए जाता है तो रात भर नींद नहीं लगती, उसी उदेड़बुन में रहता है, उसी उदेड़बुन में रहता है, क्या होगा क्या होगा, और कितने जनों नींद की दवा खाए बिना, क्या कुछ किए बिना, बहुत खराब हाल है, कितने डिप्रेशन वगैरह के कितने मरीज बढ़ रहे हैं, वैसे ही आजकल सबसे बड़ी समस्या मनोबल घट रहा है, समस्या है कुछ प्रतिकूलता है कुछ आई बस फिर वो लाइफ ही नहीं होता उसका, हंसते हंसते पहले जमाने में कितने रोग होते थे, क्या हंसते हंसते पता भी नहीं चलता था, आपके पास मनोबल है, कॉन्फिडेंस है, तो आपको कौन मार सकता है, चलो ठीक है, यहाँ पर तो प्रेरणा कर की जा रही है, ये भाव को पदावर्त की उपमा दी जा रही है, और यहाँ पर ये कह रहे हैं ये तो संसार की हालत ये है, यावत जब तक हमने एक पलटी किया नहीं वो रहट का एक हिस्सा, तो दूसरा आकर खड़ा होता है, फिर तीसरा आकर, ये प्रचुर ये विपदा प्रचुर सामने खड़ी है, इसलिए हे जीवो इसी के बीच में अपना शीघ्र काम कर लो, अभी ये मान के चलो कोई बड़ी प्रतिकूलताएं नहीं आई है, फिर कैसी हालत होगी, क्या हो गया, अभी सर तो आए नहीं है, आज सर आए नहीं है, मुझे अभी भी याद आता है
सर के यहाँ भोजन करने के लिए मैं गया था, 3-4-5 साल पहले की तो बात होगी, 4-5 साल पहले की बात होगी। फिर घूमते घूमते फिर भोजन के बाद थोड़ा सा ऐसे बाहर आए, तो पाँच एक मिनट की बात होगी, ऐसी कोई मेरे को आदत तो है नहीं कुछ ज़्यादा रुकने की कहीं। तो फिर वो घूमते घूमते फिर कुछ दिखा कुछ रहे थे, मैंने कहा अब छोड़ो ये सब बातें, अब करो रिटायर हो जाओ करो, ये फैक्ट है फैक्ट, मैंने ऐसा बोला था उनको। और सेकेंड ईयर देखा तो ये हालत हो गई थी उनकी, मुझे तो एकदम ताज्जुब हो गया, वो देखते भी ये अंदर था और तो मैं देखते रह गया हट्टा कट्टा आदमी था, क्या हो गया ये अचानक। और पिछले साल ही कहा था मैंने, अब कब तक करेंगे ट्यूशन बाजी, छोड़ो अभी अब पढ़ाओ, अब पढ़ो फिर टाइम नहीं मिलेगा, ये बस क्रम्बल डाउन, कोई आशा नहीं आज। और फिर सब तरफ से प्रतिकूलता आती, घेर लेती है घर, और घर वाले तो कौन कितना ध्यान देते, और फिर जिनवानी कौन सुनाएगा, मतलब जितने अपनी पूंजी है अपने बल पर पहले उसको कमाना चाहिए, फिर अपने तो कौन अपना है और क्या क्या है, और क्यों अपन उनसे भी अपेक्षा करें, वैसे तो वस्तु स्वरूप तो अपन ने अपना ही केयर नहीं किया जब कर सकते थे, अब उनको उनके माथे मारने की कोई बात ही नहीं है। मैं तो एक दो बातें हमेशा कहता हूँ कि जो लोग कहते प्रतिकूलताओं में है भगवान, प्रतिकूलताओं में धर्म नहीं छूटे, तो मैं उनका हमेशा कहता हूँ यू हैव नो राइट, आपको बोलने का अधिकार नहीं है, जो अनुकूलताओं का पूरा लाभ उठाता है वो तो बोले, अनुकूलताओं में जो नहीं करे और प्रतिकूलताओं की विचार करे वो तो छल करता है ना। और ये भी लोग कहते अगले भाव में कोई दोस्त वगैरह आकर हमको वहां पर सचेत करे, तो मैं कहता हूँ भाई इस भाव में तो हमारी नहीं सुनता है, अगले भाव में क्या तू सुनाने देगा क्या हमको, हम कितनी एकदम दूर के कुछ प्रथमानियों की कहानी किससे सुनकर हम कितनी ऐसी काल्पनिक बातें खड़ी करते हैं दिमाग में, हमने हमारा उपादान नहीं दिया हमको कौन रोएगा, कौन दया करेगा हमारे ऊपर। हम स्वयं जब तक गाना चालू नहीं करते तब तक कोई स्वर साथ नहीं देता, यहां से गाना चालू करो तो सब जन चालू करते हैं। हमने हमारा एक कदम अपनी तरफ से नहीं रखा तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये फैक्ट है बिल्कुल, आज सर नहीं ये फैक्ट है जो आपको कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल 1 साल पहले कहा था फिर हो गया वैसा। एक अभ्यभी की घटना वासु का जो मैंने कहा तो फिर टाइम चला जाएगा भाई, तुम कब करोगे फिर धर्म, सबको लगता है हम सब इतना करेंगे, फिर मिटा देता है पूरा जीवन अपना, मिटा देता है दाव पर लगा लेता है, और इतना निचोड़ रहे आजकल ये लाइफ पूरा खत्म करते हैं बाहर का। इसलिए मेरे को कहना है पेट पुरता हुआ अपना आत्म कल्याण में लगना चाहिए हमको, और प्रसंग आए तो हम वहां से अप्रोच करेंगे, इच्छाएं घटाएंगे फिर, लेकिन ये क्या है 10-10 घंटा काम करके आएगा क्या करेगा फिर, जीवन जा रहे हैं ना, आहूत हो रहा है पूरा जीवन इसी के लिए, कोई सेंस नहीं है। ठीक है, ओम।